केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुए हंगामे की जांच के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। तो पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ने और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। इस मामले को लेकर मोदी सरकार लगातार किसानों को कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन अन्नदाता साफ तौर पर कह चुके हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस का हाथ है। वहीं सरकार और अन्नदाताओं की तनातनी के बीच कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और किसानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। इस मामले में आप सरकार को ज्ञापन दें। दरअसल दिल्ली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी। किसी में इसे देश विरोधी तत्वों की साजिश बताया गया है, किसी में सरकार और पुलिस की लापरवाही। कुछ याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग के गठन की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका के मद्देनजर जांच एनआईए को सौंपी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा दिल्ली हंगामे पर क्या कार्रवाई होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।